नमस्कार दोस्तों, तो TNPL मैच नंबर 14 में आपका स्वागत है। रूबी ट्विची वॉरियर्स और आई ड्रीम तिरुपुर तमिल्स के बीच जो खेला जाएगा गुरुवार 29 जुलाई शाम के 7:30 बजे भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। क्या क्या मिलेगा आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में? सबसे पहले तो क्या टॉस बहुत मायने रखता है? क्या आपको रूबी ट्विची वॉरियर्स से ज़्यादा प्लेयर्स लेने चाहिए या फिर तिरुपुर तमिल्स से? और फिर अंत में आपको बॉलर ज़्यादा पॉइंट्स दे सकते हैं या फिर बैट्समैन? ये सब जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत। वणक्कम सौभाग्य। अब ये सवाल मैंने क्यों पूछा, चलिए ये एपिसोड की शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर ट्वीट से। दिल्ली कैपिटल्स का ये ट्वीट है, 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस फॉर ऑल फैंटेसी प्लेयर्स हु हैड देयर टीम कॉम्बिनेशन सेट फॉर श्रीलंका एंड इंडिया। चलिए बैक टू रियलिटी। जो श्रीलंका इंडिया सीरीज फॉलो कर रहे हैं, फैंटेसी खेल रहे हैं, उन्हें पता ही चल गया होगा कि किस तरह से सीरीज जो है शायद ना भी हो सके। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मैच शुरू होने के बाद, तो आपको ये पता चल गया होगा कि कितनी कठिनाइयों के साथ वो मैच जो है खेला जा रहा है। 8 प्लेयर भारत के कोविड पॉजिटिव टेस्ट हो गए हैं, स्क्वाड में से ज़्यादा प्लेयर्स बचे ही नहीं हैं, और सिर्फ नेट प्लेयर्स के साथ टीम इंडिया स्लैश या तो उतर रही है या तो फिर सीरीज कैंसिल हो गया। डिपेंड करता है कि कब आप ये वीडियो देख रहे हैं। ये ऐसे टाइम पर यही होता है कि अगर आप फैंटेसी की टीम बना रहे हो तो आपको बहुत कठिनाई होती है एक पर्टिकुलर टीम बनाने के लिए कि किस तरह से कौन सी कॉम्बिनेशन हम सेलेक्ट करें। क्योंकि अगर आपने मेन प्लेयर सेलेक्ट कर लिए हो लेकिन वो मेन प्लेयर्स ही नहीं खेल रहे हो, खासकर कप्तान शिखर धवन जो खुद कोविड के शिकार हो चुके हैं एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स, तो फिर आप टीम में बिठाएं किसे? उसी के लिए हम आपको सजा हैं कि फैंटेसी घर पे आइए, अपनी टीम सजेशंस हमसे ले लीजिए और फिर अपनी टीम बनाइए। क्योंकि अगर आप टॉस के बाद आएंगे ना, तो आपको 10-10 टीम कॉम्बिनेशंस मिलेंगी जिससे आप अपनी टीम जो है बेक ऑफ बना सकते हैं। चलिए इंडिया श्रीलंका को साइड में हटा देते, क्योंकि ये वीडियो तो है TNPL के बारे में, यानी तमिलनाडु प्रीमियर लीग। तो मैच नंबर 14 पर फोकस करते हैं। तो कौन सी दो टीमें खेल रही हैं? यहाँ पर है रूबी ट्विची वॉरियर्स, जो फिलहाल थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में। और इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो रूबी ट्विची वॉरियर्स नहीं, माफ कीजिएगा, आई ड्रीम तिरुपुर तमिलंस स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि रूबी ट्विची वॉरियर्स ने तो 4-4 जीत हासिल कर ली है, वहीं पर तमिलंस ने 3 मैच खेले हैं और अभी तक 5वें पायदान पर स्थगित है इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में। लेकिन अगर हेड टू हेड की बात करें तो इन दोनों टीमों के बीच में अभी तक हुए हैं 4 मैच, जिसमें से रूबी ट्विची वॉरियर्स ने जीते हैं 0-3। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तिरुपुर तमिलंस जो है अपना ये रिकॉर्ड ट्विची वॉरियर्स पे बरकरार रखे। तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप अगर टीम बनाएं तो 11 में से आप एक टीम में से सिर्फ 7 प्लेयर ही ले सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 4 प्लेयर्स आपको दूसरी टीम से लेने होते हैं। तो अब वो जो 4 प्लेयर्स हैं वो रूबी ट्विची वॉरियर्स से ले, और रूबी ट्विची वॉरियर्स से आप गेंदबाजों को ले और बल्लेबाज जो है ऑलराउंडर्स हैं वो आई ड्रीम तिरुपुर तमिलंस से ले। कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं? चलिए आइए एक नज़र मारते हैं। सबसे पहले नाम आता है विकेटकीपर अमित सात्विक। अब अमित सात्विक जो है काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, पहले 2 मैचों में 105 और 58 पॉइंट्स दिए उन्होंने, फिर थोड़ा सा जो है गाड़ी जो है डगमगा गई, लेकिन आप पे भरोसा ज़रूर रख सकते हैं। 1 मैच में ड्रीम टीम के कप्तान भी रह चुके हैं अमित सात्विक। वहीं पर बल्लेबाजों में आते हैं तो अदनान खान रूबी ट्विची वॉरियर्स के लिए एक अच्छे ऑप्शन है, हाई एक्स फैक्टर है, जो ये सजेस्ट करता है कि अगर इनका टीम चला तो ये आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दे सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल 1 मैच में इनका दिन चला और उन्होंने उस मैच में 85 अंक दिए थे, ड्रीम टीम के वाइस कैप्टन भी
रहे थे। और अगर आग जलाने की बात करें तो एस सिद्धार्थ आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन है आई ड्रीम टीम से, 8.5 की क्रेडिट, 6.9 की फैंटेसी गदी रेटिंग। लास्ट मैच में 60 अंक देकर उन्होंने अपना फॉर्म जो है सिद्ध कर दिया है, सिद्धार्थ ने दिया तो सिद्धार्थ ने सिद्ध कर लिया अपना फॉर्म। एक और प्लेयर का मैं नाम लेना चाहूंगा, वो भी आई ड्रीम त्रिपुर थे, माफ कीजिएगा ये तो ऑलराउंडर हुए। अगर मैं कीपर की बात करूं तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा आदित्य गणेश, ये रूबी ट्रिची वॉरियर्स से हैं, थोड़ा ऊपर नीचे है फॉर्म, लेकिन अगर आप लॉ ऑफ एवरेजेस पकड़ के चले तो ये पांचवी मैच उनके लिए काफी अच्छी हो सकती है, क्योंकि पहले मैच में 59, फिर 5, फिर तीसरे मैच में 55, चौथी मैच में 7, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि पांचवी मैच में एक बार फिर 50 के ऊपर आपको अंक दे सकते हैं आदित्य गणेश, 8.5 की क्रेडिट है, नॉट अ बैड ऑप्शन। बटाटे की तरह सभी सब्जियों में घुल मिल जाते हैं, वैसे ही आदित्य गणेश आपको किसी भी टीम में फिट करवा सकते हैं। अब आते हैं ऑलराउंडर्स हरफन मौलांग की तरफ, और सबसे पहला नाम आता है एम मोहम्मद, इनके आगे जाने की क्या जरूरत है, एक मैच में 106 वाइस कप्तान थे ड्रीम टीम के, दूसरे मैच में 46 और तीसरे मैच में 8, स्लो स्टार्ट थी लेकिन अब धीरे धीरे जो है पायदान ऊपर चढ़ते आ रहे हैं, यही एक नेगेटिव एस्पेक्ट है इस पर्टिकुलर प्लेयर के बारे में। 8.5 की फैंटेसी गनी रेटिंग है, ऑन एन औसत ये आप देते हैं तो आप बेखौफ इन्हें अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। वहीं पर अब अगर हम ऑलराउंडर्स में दूसरा नाम ले तो वो है आकाश सुमरा, ये भी ठीक ठाक के प्लेयर, ज्यादा पॉइंट्स अभी तक इन्होंने दिए नहीं है लेकिन कंसिस्टेंसी के तौर पर टूर्नामेंट के हिसाब से यानी पिछले सीजन के हिसाब से आकाश सुमरा आपको अच्छे पॉइंट्स दिला सकते हैं, 8.5 की क्रेडिट और 5.4 की फैंटेसी गली रेटिंग। अब बढ़ते हैं बोलर्स की तरफ, तो बोलर्स में मैं नाम लेना चाहूंगा के गौतम थामराय कन्नन, आई ड्रीम तिरुपुर तमिलन्स की तरफ से खेलते हैं ये, 8.5 की क्रेडिट, 7.1 की फैंटेसी गदी रेटिंग। ये थोड़े बहुत एक मोमेंटम वाले प्लेयर है, इनका भी अगर लॉ ऑफ एवरेज अगर देखें तो ये चौथा मैच उनके लिए काफ़ी फायदेमंद और आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, एक्स फैक्टर काफ़ी हाई है तो जिस दिन उनका हाई एक्स फैक्टर का दिन रहा उस दिन वो आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दे सकते हैं, जैसे कि आप मैनहट्टन में देख रहे हैं तो दूसरी मैच के हिसाब से चौथे मैच में वो आपको 35 से ज़्यादा अंक देने की क्षमता और चांस रखते हैं। दूसरे बॉलर्स कौन हमारी टीम में जो आपको फायदा पहुंचा सकते हैं, एक तो है अश्विन क्रिस्ट जो क्राइस्ट ने, जी हाँ क्रिस्ट, जिन्होंने लास्ट मैच में 90 पॉइंट्स दिए थे, 8.6 की फैंटेसी गली रेटिंग, 9 की क्रेडिट्स और इनकी भी स्टॉक्स बढ़ती जा रही है, शुरू किया था 31 से फिर 41 और फिर 90, तो बिना किसी शक के हम ये कह सकते हैं कि वो फॉर्म में है। दूसरा नाम है बाफना, एम बाफना माफ कीजिएगा, जो भी इस पर्टिकुलर मैच में अच्छे पॉइंट्स के साथ आ रहे हैं, 104 लास्ट मैच में और उसके पहले 35, ये भी कंसिस्टेंसी के तौर पर धीरे धीरे वार्म अप होते चले आ रहे हैं, क्रेडिट्स आपके फायदे में है, 8.5 वहीं पर फैंटेसिकली रेटिंग 8.9। तीसरा नाम सजेस्ट करना चाहूंगा रूबी ट्रिची वॉरियर से एम मतिवनन, जो पहला मैच था उन्होंने 107 अंक दिए थे, वो तो थोड़ा बहुत मान के चलिएगा फ्लैश इन द पैन था क्योंकि एक ओवर डाला 3 विकेट लिए, उसके बाद जो है 8 फिर 83 फिर 31, तो ये भी धीरे धीरे अब कंसिस्टेंसी छूने की कोशिश कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज ये आपको 10 T20 गेम्स के हिसाब से 57 अंक दे रहे हैं, 9.4 की फैंटेसी गली रेटिंग है, इन्हें भी आप कंसिडर जरूर कर सकते हैं। तो ये थे हमारे प्लेयर के ऑप्शन, अब हम आपको अलग अलग टीम सजेस्ट देना चाहेंगे, तो एक तो है यहाँ पर FG बेस्ट 11, दूसरे है स्मॉल लीग इन हेड टू हेड लो रिस्क, फिर ग्रैंड लीग हाई रिस्क, फिर ग्रैंड लीग इन फॉर्म टीम और ग्रैंड लीग बैटिंग फोकस, इनके अलावा के पास दूसरे कॉम्बिनेशन है, फिलहाल आपको ड्रीम 11 और माई टीम 11 के ऑप्शन मिलेंगे, अगर आप टॉस के बाद आएंगे तो आपको 10-10 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, आपको अलग अलग साइट्स मिलेंगे, साइट्स पे जिस तरह की रेटिंग्स है कॉन्टेस्ट है आप उस हिसाब से अपनी टीम स्ट्रेटजी बना सकते हैं और टीम कॉम्बिनेशन भी डिसाइड कर सकते हैं। प्लेयर्स हो गए, आप देखते हैं हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक्स के ऑप्शन,
तो यहाँ पर मैच टिप्स का सेक्शन है, हमारे लिए हर मैच में होता है, हम जो कवर करते हैं इसमें। तो यहाँ पर फैंटेसी टिप्स एंड एनालिसिस है, सभी कुछ लिखा हुआ मिलेगा, प्रीव्यू है, पिच रिपोर्ट, कंडीशंस है, हेड टू हेड है, टॉप फैंटेसी पिक्स में बैट्समैन, विकेट कीपर्स, बोलर्स और ऑलराउंडर्स है, और टॉप प्लेयर्स फ्रॉम लास्ट मैच। अगर हम दोनों टीमों के बारे में देखें तो ट्रिची के लिए टॉप प्लेयर परफॉर्मेंस फैंटेसी के हिसाब से थे राहिल शाह, 84 अंक दिए थे। वहीं पर आई ड्रीम के लिए यानी तिरुपुर के लिए एम मोहम्मद ने सबसे ज्यादा अंक दिए थे, 106। तो ये हो गए हमारे टॉप प्लेयर्स। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक्स की तरफ, तो ये है ऑप्शन, मथिवनन, मान बाफना, सरवन कुमार, अश्विन क्रिस्ट और एम मोहम्मद। में से सेफ ऑप्शन मैं सजेस्ट करूंगा कि मान बाफना माफ कीजिएगा और एम मोहम्मद, ये दोनों प्लेयर्स पे आप भरोसा कर सकते हैं। अश्विन क्रिस्ट पे भी आप थोड़ा बहुत भरोसा कर ही सकते हैं, लेकिन मथिवनन और सरवन कुमार आपके ग्रैंड लीग के लिए बेटर रहेंगे क्योंकि ये थोड़े एक्सपोनेंशियल प्लेयर्स, एक्सपोनेंशियल यानी ये ऑन दैट डे ज्यादा परफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं। कंडीशंस पे डिपेंड करता है, बैटिंग फर्स्ट या फिर बैटिंग सेकेंड, इस पर भी डिपेंड करता है। अब उसी संदर्भ में आते हैं टॉस की तरफ। पिछला मैच अगर आपने देखा होगा तो कप्तान ने कहा था पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, टॉस अब काफ़ी महत्वपूर्ण होता जा रहा है शाम के मैच में, खास करके 7:30 के मैच के टाइमिंग्स के हिसाब से, क्योंकि ओस अब आ चुकी है, यानी ओस की प्रेजेंस यानी ड्यू आ जाती है तो फिर गेंदबाजी में बहुत दिक्कतें होती है। तो जो सबसे ज़्यादा सबसे लेट गेंदबाजी करेगा उसे सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी, तो नेचुरली जो टीम चेस करेगी उससे फ़ायदा होगा। तो इसीलिए आप प्लेयर्स उस टीम में से ज़्यादा लें जो पहले गेंदबाजी कर रही हो। लेकिन हाँ, अब जिस हिसाब से ये स्ट्रैटेजी है रूबी ट्रिची वॉरियर्स और आई ड्रीम के बीच में, रूबी ट्रिची वॉरियर्स ने एक भी मैच नहीं जीता है आई ड्रीम के अगेंस्ट, और अगर रूबी ट्रिची वॉरियर्स जीत रही है तो क्या आपको उस टीम में से ज़्यादा प्लेयर्स लेने चाहिए? थोड़ा रिस्की है, तो फिर एक काम कर सकते हैं, अगर रूबी ट्रिची वॉरियर्स चेस कर रही हो तो आप ट्रिची में से 6 लें और आई ड्रीम में से 5, और अगर रूबी ट्रिची वॉरियर्स पहले बैटिंग कर रही हो तो आप रूबी में से 4 प्लेयर लें और 7 प्लेयर दूसरी टीम से लें। तो वैसे ही अकॉर्डिंगली जब सेकेंड टीम बॉलिंग कर रही होगी तो आप स्पिनर्स थोड़ा कम लें, क्योंकि अगर ड्यू रहेगा तो फिर स्पिनर्स को बॉल पे ग्रिप मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो ये है हमारे टीम सजेशंस, कौन सी टीम से कितने प्लेयर्स लेने चाहिए वो सजेशंस, और अंत में आते हैं हमारे कॉन्टेस्ट की तरफ, कौन से कॉन्टेस्ट आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। यहाँ पर आपको एक कॉन्टेस्ट सेक्शन दिखेगा, कॉन्टेस्ट में हमारे फैंटा सिंह वहां पर मौजूद है, उन्हें यहां से वहां, वहां से यहां, बिल्कुल उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वो है ही वहां पर आपके मदद करने के लिए। मूव करते रहिए, आपको थोड़े थोड़े माउस ओवर दिखाई देंगे, तो जैसे कि आपने यहां से वहां मूव किया तो यहां पर आपको एक माउस ओवर आएगा कि आप 85% लोगों को हरा सकते हैं। यहां पर आपकी एंट्री फी रेंज है 1 से 300, 301 से 999, तो चेंज होता जाए यहाँ पर वैसे कॉन्टेस्ट, फिर 1000 के ऊपर, और फिर सब कॉन्टेस्ट का कॉम्बिनेशन, टोटल कॉन्टेस्ट जितने हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। आप यहाँ से यहाँ स्लाइड करते रहेंगे तो कॉन्टेस्ट यहाँ पे चेंज होते रहेंगे और यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट कमाई भी नजर आती आएगी। तो ये सब चीजों का आप लुत्फ उठा सकते हैं अगर आप फैंटेसी गली का इस्तेमाल करेंगे तो अगर आप वेबसाइट से कर ही रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ऐप भी डाउनलोड करें तो डबल अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमें टॉस के लिए इंतजार करना पड़ता है, प्लस उसके बाद लाइनअप्स के लिए भी इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी ऑफिशियल सोर्स से लाइनअप्स आते नहीं है तो थोड़ा डिले होता है, तो हमें रुकना पड़ता है कि कब आखिर लाइनअप्स आएंगे। तो अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो जैसे ही हमारे स्कोरर्स लाइनअप्स अपडेट करते हैं फाइनल अपडेट टॉस के बाद, तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि फाइनल टीम्स अपडेट। तो अगर आपको ऐप डाउनलोड करने की जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ कंटिन्यू करते रहिए देखना। उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको मदद काफ़ी मिलती है उन वीडियो से, हमारे सलाहों से, प्लीज़ उन्हें यूज़ ज़रूर कीजिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि क्लिक करते ही जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एपिसोड. थैंक यू वेरी मच एक बार फिर हमारे साथ बने रहने के लिए. ऑल द बेस्ट फॉर दोस्त जो ये TNPL का मैच TNPL के मैच के लिए फैंटेसी खेल रहे हो. और मैं कार्तिक अय्यर अपने पूरे फैंटेसी गली टीम की ओर से आपसे विदा लेता हूँ. ऑल द बेस्ट. नमस्कार.